क्या आप जानते हैं कि भारत की चीनी दुनिया भर में मिठास घोल रही है? जी हाँ, भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक देश के रूप में उभरा है। इतना ही नहीं, देश के किसानों ने गन्ना और एथेनॉल उत्पादन में भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। चीनी सीजन अक्टूबर सितंबर 2021-22 में भारत ने करीब 109.8 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उच्चतम चीनी का निर्यात किया। इससे देश ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की। इतना ही नहीं, इस सीजन में देश में गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन और एथेनॉल उत्पादन में भी रिकॉर्ड बना है। 2021-22 के दौरान 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है, जिसमें से लगभग 3,574 LMT गन्ने को चीनी मिलों ने संवर्धित कर करीब 394 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया है। सरकार चीनी मिलों की चीनी को एथेनॉल निर्माण के लिए इस्तेमाल करने और अधिशेष चीनी का निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वर्ष 2021-22 में एथेनॉल तैयार करने के लिए 35 लाख मीट्रिक टन चीनी का इस्तेमाल किया गया, जबकि 2020-21 में ये 22 LMT था। इस दौरान चीनी मिलों द्वारा एथेनॉल की बिक्री से लगभग 18,000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। मोदी सरकार गन्ना किसानों के बकाया के भुगतान में भी तेजी ला रही है। सरकार के लगातार प्रयासों से गन्ना किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। स्वर्णिम भारत की पहचान, आत्मनिर्भर किसान।